ज वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई एम बैक विद फ्लिपकार्ट हॉल ये फाइनली आई गॉट टॉप्स फ्रॉम फ्लिपकार्ट इतने टाइम के बाद सो आई गॉट सेवन टू एट टॉप फ्रॉम फ्लिपकार्ट मोस्टली फुल स्लीव टॉप्स ही है एंड यू गाइज इतने प्यारे प्यारे टॉप्स आए हैं वो भी अंडर फोर नाइन नाइन रुपीज सभी टॉप्स जो है अंडर फोर नाइन नाइन रुपीज है एंड मुझे कुछ टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड के टॉप्स भी मिले जो इतने सुंदर लग रहे हैं सो एम सुपर डुपर एक्साइटेड सो विदाउट एनी फर्दर यू लेट्स गेट जस्ट लुक एट दिस इसमें आपको पैटर्न जो है फ्लावर का जो पैटर्न है वो काफी सारे ऑप्शन मिल रहे थे एंड इसका जो प्राइस है वो है टू हंड्रेड फिफ्टी फोर रुपीज यस इसका जो मटीरियल है वो ऑर्गेंजा मटीरियल है स्लीवस का जो मटीरियल है वो ऑर्गेंजा है पफी पफी स्लीवस है आगे से इलास्टिक है वाइट कलर पहनने के बाद विद ब्लू डेनिम और शॉर्ट्स किसी के साथ भी आप स्टाइल कर सकते हो दोनों के साथ ही इतना सुंदर लग रहा है इसमें आपको कलर तो सेम ही है वाइट बस आपको प्रिंट डिफरेंट मिल रहा है सो so, आप कोई प्रिंट भी चेक कर सकते हो पर सबसे डिसेंट जो प्रिंट था वो मुझे यही लग रहा था तो मैंने इसी को ऑर्डर करा आप देख सकते हो कि बहुत ही प्यारा सा पिंक पेस्टल पिंक एंड बहुत सुंदर वाटर कलर जैसा इस पर प्रिंट है जो बहुत प्यारा लग रहा है पहनने के बाद बिल्कुल भी चीप नहीं लग रहा है एंड इस प्राइस में आई एम हंड्रेड एंड 200 sure आपको ये टॉप नहीं नहीं सकता। है। है इसे पहनने के बाद मुझे ना इतनी कोई गर्मी भी नहीं लग रही है और ठंडी भी नहीं लग रही है सो इट्स कम टॉप एंड ये भी उतना ही अच्छा आया है सबसे अच्छा इसका मटेरियल। इसका मटेरियल ना वो प्रॉपर जैसे स्वेटर्स का मटेरियल होता है वैसे वाला मटेरियल नहीं है निटेड है बट वॉर्म नहीं है इतना देखने में जो कलर है इसका कलर ऑफ वाइट कलर है प्रॉपर वाइट कलर नहीं है एंड मेरे पास एक भी स्वेटर ऐसा नहीं है आगे से आप देख सकते हो इतना प्यारा हार्ट शेप का डिजाइन है एंड दिस वन इज फ्रॉम स्ट्रीट नाइन ये स्ट्रीट नाइन ब्रांड से है फुल स्लीव्स से है सेम ही सब पूरा मटेरियल है फिटेड क्रॉप स्वेटर कम टॉप ही है ये तो नेक्स्ट वन सो नेक्स्ट वन आई गॉट दिस वन दिस प्रिटी क्रॉप टॉप एंड दिस वन इज फ्रॉम हरपा सबसे अच्छा मुझे इसका कलर लगा दिस ब्लू कलर दिस लाइट ब्लू कलर और इसपे फ्लोरल प्रिंट ही है पूरा ही टॉप जो है वो फ्रिली फ्रिली टॉप ही है इसकी स्लीव्स भी कुछ ऐसी ही है हाफ स्लीव्स हैं एंड नीचे वाले पार्ट से ना पीछे वाले पार्ट से ये स्ट्रेचेबल है स्मॉक पैटर्न है तो फिट वाइज तो कोई भी इशू नहीं आ रहा है पहनने के बाद बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है एंड इसका जो प्राइस था वो अंडर फोर फाइव हंड्रेड रुपीज़ ही है और इसका जो प्राइस है वो फोर हंड्रेड सेवेंटी थ्री रुपीज़ है आई गेस सो ये भी एक अच्छा टॉप है स्पेशली हर पास है ना आपको अफोर्डेबल प्राइस में काफ़ी सारे ऑप्शनस मिल रहे थे और मैंने काफ़ी कुछ ऑप्शन काफ़ी कुछ ऑर्डर भी किया है इस दिस वन एंड ये वाला शर्ट जो है वो मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी एंड दिसर इस ब्रांड से मैंने एमेजॉन से बहुत बार टॉप लिए हैं इसका भी जो मटीरियल है वो ब्रीदेबल अच्छा मटीरियल है इट हैजीव एंड आगे से सबसे अच्छा पार्ट है दिस स्मोक्न ये वाला पैटर्न आजकल ट्वेंटी फोर में वैसे भी इन होने वाला है uh, ये स्टाइल भी एंड ये टाइड आई का स्टाइल है बट काफी डिसेंट है नॉर्मली मुझे टाइड आई जो है वो इतना भी पसंद नहीं है मैं लेती हूँ बट बहुत कम सो so, ये भी ब्लैक एंड वाइट एक ऐसा कलर कॉम्बिनेशन है टाइड है कलर है जो मुझे पर्सनली पसंद है एंड ये शर्ट जो है डिसेंट इसकी लेंथ है बटन डाउन शर्ट ही है मटेरियल इसका कॉटन मटेरियल नहीं है बहुत ही प्यारा सा सॉफ्ट आई थिंक पॉलिस्टर मटेरियल होगा बट काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है एंड शे आप नॉर्मल अपनी वाइट ट्राउजर्स के साथ भी ब्लैक ट्राउजर्स के साथ भी कैसे भी स्टाइल कर सकते हो ऑफिस में भी पहन सकते हो एक ऑफिस वेयर भी है एंड कॉलेज में तो आप आराम से पहन सकते हो ऐसा चाहिए था काफ़ी टैन हो गई हूँ स्किन थोड़ी सी डल हो गई थी दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग डर्माकोस टू परसेंट नाया सिनेमाइट जेंटल स्किन क्लेंजर और इसमें आपको दो वेरियंट्स मिल रहे हैं कॉम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन के लिए बट आई एम यूजिंग दिस वन ड्राई नॉर्मल एंड फॉर सेंसिटिव स्किन दिस वन इज हंड्रेड परसेंट सो फ्री एंड इसमें ना आपकी स्किन ऐसा फील नहीं होता फेस वॉश करने के बाद कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है खिंची खिंची हो गई है अदर्ट रिमूव

सकती कि आपकी स्किन कितनी शाइनी प्लंपी लगती है सच अगर आपकी भी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है या फिर नॉर्मल भी है सभी अप्लाई कर सकते हैं तो प्रोडक्ट में कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है सो आपकी स्किन को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगा डोंट वरी डरमा फ्रेग्रेंस नहीं है एंड यू यूवाइज आप इसी के साथ साथ इतना अफोर्डेबल होने के बाद भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं रेनी ट्वेंटी टू गेट

बहुत प्यारा लगता है स्पेशली वाइट कलर में सो so, ये मैंने लिया है कि टोक्यो टॉपिस ब्रांड से ही मैंने लिया है इसकी फुल स्लीव्स ही है बट पफी स्लीव्स हैं थोड़ी सी पफी स्लीव्स है एंड साइज स्मॉल ही है नीचे से फ्रिली फ्रिली है बट एक क्रॉप टॉप नहीं है इसका जो नेक है ना वो स्क्वायर नेक है आप देख सकते हो नीचे से आपको बटन दिए हुए हैं सिंपल ऑप्शन है एंड एक ऐसा क्लासिक ऑप्शन है जो कर... तो अच्छा रहता है ऐसे वाले टॉप्स ना मुझे मोस्टली हमेशा ही अच्छे लगते हैं स्पेशली वाइट कलर में ना कोई टेंशन नहीं रहती कोई एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है एक सिंपल ब्लू डेनिम के साथ भी डालोगी तो भी अच्छा लगता है काफी फेमिनन लुक है इस टॉप की बट पहनने के बाद जो अच्छा लग रहा है इसमें कलर ऑप्शन आई डोंट थिंक सो कोई और कलर है सो वाइट कलर सो नेक्स्ट वी हैव दिस चैकेट प्रिंट टॉप सो चैकेट प्रिंट दोबारा से ट्रेंड में रहने वाला है चैकेट प्रिंट शर्ट तो जो है वो मेरी गो टू शर्ट है वो मुझे आई डोंट नो कब से पसंद है वो तो मुझे पसंद ही है बट जैसे ही मुझे ये टॉप दिखाई दिया मेरे पास इतना पर्सनली चैकेट प्रिंट मेरे पास कोई भी चैकेट प्रिंट टॉप नहीं है सो आई हैव टू बाय दिस वन सो इसका फुल uh, स्लीव्स ही है मटेरियल जो है वो ऐसा मटेरियल नहीं है कि बेस्ट मटेरियल नहीं है अभी के वेदर के लिए परफेक्ट मटेरियल है बट कुछ टाइम के बाद थोड़ी सी आपको इसमें गर्मी लग सकती है आई एम श्योर अभी मैं फील कर सकती हूँ देखो नेक का जो स्टाइल है बैक एंड फ्रंट दोनों से ही स्क्वायर नेक है और ये क्रॉप्ट ही है लेंथ वाइज क्रॉप्ट है ये बट अगर आप अपनी हाईवेज जीन्स के साथ पहनोगे तो बहुत प्यारा लग रहा है एंड ये एक ऐसा टॉप है जो आप अपने ऑफिस में पहन सकते हो ऑफकोर्स ऑफ शोल्डर नहीं नॉर्मली तरीके से और अपने कॉलेज में भी पहन सकते हो काफ़ी डिसेंट एंड अच्छा ऑप्शन है This one is from Harpa. ये भी है। मैंने आपको बताया कि हरपा से ना ऐसे वाले टॉप काफी अच्छे लगते हैं काफी अच्छे आते हैं इनफैक्ट फुल स्लीवस है बट वो जॉर्जट वाला मटीरियल ही है बहुत ये भी इतना ही अच्छा समर ऑप्शन है कलर ही इतना प्यारा है दिस येलो एंड ऑरेंज फ्लोरल प्रिंट एंड ये पैपलम टॉप ही है आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है इसका भी सेम स्टाइल है ऑफ शोल्डर भी पहन सकते हो नॉर्मल भी पहन सकते हो पहनने के बाद कम्फी है ब्रीदेबल है अच्छा समरी ऑप्शन है अभी भी पहन सकते हो बाद में भी पहन पाओगे बिल्कुल भी गर्मी लगने के कोई भी चांस नहीं है बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है बेस्ट पार्ट यही है अंदर से इसमें आपको प्रॉपर लाइनिंग मिल रही है बट ऐसा थिक वाला मटेरियल भी नहीं है कि आपको बाद में गर्मी लगेगी कोर्स अभी नहीं पहन सकते बट आई थिंक 10-12 डेज में आप आराम से ऐसे टॉप्स पहन पाओगे सो या टी ऑप्शन है ये एक अफोर्डेबल ऑप्शन है अगर आप, आपको अगर आपको कोई भी पैपलम टॉप्स पसंद है फ्रिली टॉप्स पसंद है सो बहुत अच्छा ब्रांड है हर बार जिससे आप ऑप्शन uh, चेक कर सकते हैं अगर आपने मेरी मिंत्रा वीडियो देखी है लास्ट टू लास्ट सो आपने देखा होगा मैंने टोक्यो टॉकी से वाइट कलर का चिकनकारी एक टॉप ऑर्डर किया था वैसे तो ये प्रॉपर वैसे तो प्रॉपर तो चिकनकारी नहीं है ये मशीन वर्क ही है बट सेम ही मैंने लेवेंडर कलर में ऑर्डर किया और लेवेंडर कलर आपको वैसे भी पता है कि मुझे अच्छा ही लगता है सो मैंने मुझे लगा यार एक और कलर में से ऑर्डर करते हैं इतना प्यारा था फिट उसका इतना सुंदर लग रहा था तो मुझे एक कलर में ऑर्डर करना बनता ही था सो मैंने इसे लेवेंडर कलर में भी ऑर्डर कर दिया एंड ये भी उतना सुंदर ही है आप इसे ब्लैक वाइट लैक ट्राउजर्स के साथ डाल सकते हैं जीन्स के साथ डाल सकते हैं और भी बहुत वाइट कलर के साथ डाल सकते हैं बहुत सुंदर लगेगा पहनने के बाद और इसका भी प्रिंट जो है वो सेम ही है दिस चिकनकारी वर्क देखने में वैसे मशीन वर्क है थ्री फोर स्लीव्स हैं आगे से इलास्टिक है स्लीव्स का जो स्लीव्स uh, का जो स्टाइल है थोड़ा सा पफी है बहुत ज्यादा पफी नहीं है आगे से वी नेक है इट्स अ रैप ऑन टॉप सो आपको पीछे से टाई करना है फिट वाइज कोई भी इशू नहीं है सो वी हैव दिस दिस वन वन इज़ फ्रॉम स्ट्रीट नाइन सो ये फुल स्लीव्स टॉप ही है इसका मटेरियल जो है रिप मटीरियल है ऐसे आपको स्वेटर्स भी मिल रहे हैं बट अभी स्वेटर्स लेने का कोई मतलब नहीं बनता सो so मैंने ये फुल स्लीव टॉप लिया है जो इस वेदर के लिए अभी अप्रोप्रिएट है इट्स अ हाई नेक टॉप यू गाइज एंड इसमें बाद में आपको हम श्योर sure, गर्मी लगने वाली है अभी कुछ टाइम के लिए आप इसे पहन सकते हो बट इसका मटेरियल इतना भी वो नहीं है थिक नहीं है बिल्कुल भी विंटरी मटेरियल नहीं है अच्छा मटेरियल है फुल स्लीव है रिप्ड है बट रिप मटेरियल भी ऐसा नहीं है जो बहुत पतले वाला मटेरियल होता है जो नॉर्मली हम समर्स में आराम से पहन सकते हैं नहीं इसका मटेरियल काफी थिक है जस्ट कीप दैट इन माइंड अभी के वेदर के लिए अच्छा लग रहा है बट आई डोंट थिंक सो आप इसे बाद में पहन पाएंगे साइज स्मॉल है क्रॉप लेंथ है कलर प्रिटी लग रहा है दिस पिंक कलर आप मुझे बताओ आपका फेवरेट टॉप कौन सा है आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाई